हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मिलन बराण और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जेडब्ल्यू का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल इसका फ्रिक्वेंटली एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि एक का क्यूब रूट क्या होता है। आप सबको पता है यूनिटी माने क्या होता है, वन होता है। वन का क्यूब रूट, अगर मैं आपको पूछूं कि वन का क्यूब रूट क्या मिलेगा, तो आप फटाफट से जवाब देंगे कि भाई वन का क्यूब रूट तो वन होता है। लेकिन वो जो वन है वो कौन सी क्वांटिटी है? रियल क्वांटिटी है। इसके अलावा भी हमें दो और इसके रूट्स मिलते हैं जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। तो वो जो दो इमेजिनरी क्वांटिटी है वो आज हम फाइंड करने वाले हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज है और इसके जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो यहां से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वन का जो क्यूब रूट होता है वो वन का क्यूब रूट, मैं यहां से अज्यूम कर रहा हूं कि वन का क्यूब रूट मुझे मिल रहा है ओमेगा। मैं यहां से दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, तो यहां से मिल जाएगा वन और यहां पे हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ये माइनस को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूं, तो ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ओमेगा क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू जीरो। अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना हो तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम? ओमेगा माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें दो क्वांटिटीज मिल जाएगी, ओमेगा माइनस वन इक्वल टू जीरो और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और जो आप सब बता रहे थे कि वन का क्यूब रूट जो होता है वो वन होता है, यहाँ पे हमें वन मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे निकालना हो तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे a की वैल्यू 1, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहता है वो 1 होगा, ओमेगा का कोएफिशिएंट भी 1 होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी हमारे पास 1 है। सो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3। यहां से आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जब भी माइनस में स्क्वायर रूट दिखेगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री होगी। तो यहां से होगा माइनस वन प्लस और माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। यहां से हम सेपरेट भी दे सकते हैं माइनस वन बाई टू प्लस और माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आई। तो यहां से हमें दो और क्यूब रूट मिल गए। वन के दो और क्यूब रूट है वो क्या होंगे? एक तो हो गया माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू आई, और एक हो गया माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आई। तो यहां से हमें ये तीनों क्यूब रूट मिल गए। और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए ये भी मिला है, ये हम एज अ रिजल्ट स्टोर करके रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन सोल्व करने में ये बहुत ही काम आएगा अगर आपको दिया गया हो कि वन का क्यूब रूट जो ओमेगा होगा, तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहां पे अगर हम गौर करें तो क्या होगा? माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई। यहां पे अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको करना हो तो ओमेगा स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आई। सो यहां पे ओमेगा है वो प्लस वाली क्वांटिटी है, और जो माइनस वाली क्वांटिटी है वो क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर करके ही ओमेगा स्क्वायर यहां पे आपको मिल रहा है। सो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। सो हमें यहां पे मिल गया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक के क्यूब रूट की तीन क्वांटिटीज हमें यहां पे मिल गई है। अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये पॉइंट कहलाएगा 10 पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू रूट थ्री बाई टू, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू। ये तीनों पॉइंट्स को मैं यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां से मुझे ट्राइंगल मिल रहा है। ये ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टीज होती है, यहां पे देख सकते हैं हम। अगर मैं यहां से डिस्टेंस एसी डिस्टेंस निकालता हूं, अगर ए और सी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम यहां से निकाल सकते हैं, वन माइनस माइनस प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
3 by 2 whole square plus 3 by 4. So, यहां से आपको मिल जाएगा 12 by 4. 12 by 4 यानी कि क्या होगा आपके पास? Square root of 3 हो जाएगा. So, यहां से मुझे AC distance कितना मिल गया? Root 3 मिल गया. So, AC distance है, वो क्या होगा? Root 3 होगा. अगर आप same तरीके से AB distance find करेंगे, तो AB distance भी आपको क्या मिलेगा? Root 3 मिलेगा. और अगर आप BC distance find करेंगे, तो वो भी आपको क्या मिलेगा? Root 3 मिलेगा. यानी कि ये कौन सा triangle हो गया? ये आपका हो गया equilateral triangle. यानी कि इसके सारे angles जो है, वो angle कितने के हो गए? Pi by 3. ये एंगल भी कितना होगा पाई बाय 3 और ये एंगल भी कितना होगा पाई बाय 3 होगा. और अगर मुझे ये ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड निकालना हो, सो हम सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रोइड? सेंट्रोइड माने x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. यहां से हम तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे 3 से. So -1 by 2 plus 1 -1 by 2 यानी कि -1 plus 1 हो जाएगा आपका 0, 0 by 3 हो जाएगा 0 और यहां से आप y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेंगे तो उसका भी एडिशन आपको मिल जाएगा 0. यानी कि ये ट्रायंगल जो है उसका सेंट्रोइड हमें क्या मिलेगा? 0 0. सो ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो जाएगा ओरिजिन. यानी कि यहां से हम अगर इस तरह की दो लाइन ड्रॉ कर दे तो ये 0 0 के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो आपको पता ही होगा सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी से, ये पाई बाय 3 एंगल होगा तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? 2 पाई बाय 3. ऐसे ही ये एंगल भी 2 पाई बाय 3 हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3 हो जाएगा. तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ओमेगा. सो क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा होता है. और यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं. ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ओमेगा स्क्वायर ही होता है. लेकिन अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. जैसे 2 का क्यूब होता है 8, सो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ऐसे ही ओमेगा का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और अगर यहां से मैं ओमेगा रेस्ट टू 4 करूंगा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा. सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो मुझे पता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 इनटू ओमेगा हो जाएगा आपका ओमेगा. अगर मैं यहां से ओमेगा रेस्ट टू 5 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो यहां से मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर. और अगर मैं ओमेगा रेस्ट टू 6 करूंगा तो ओमेगा क्यूब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. तो आप यहां से देख सकते हैं ये रिपीटेशन हो रहा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तीन-तीन के गैप में ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. यानी कि यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर मुझे ओमेगा की कोई भी पावर दी गई हो और वो पावर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो ओमेगा की पावर कहलाएगा. तो यहां से देख सकते हैं आप, 4 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, कितनी रिमाइंडर बचेगी? एक रिमाइंडर बचेगी. ओमेगा का पावर क्या हो गया? 1 हो गया. यहां से ओमेगा रेस्ट टू 5 है, यहां से मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगी 2, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि अगर यहां पे जो भी पावर दी गई है उसे 3 से डिवाइड करें और अगर एक रिमाइंडर बचेगी तो उसे लिख सकते हैं ओमेगा. अगर इसे हम 3 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर बचेगी तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर. एंड अगर 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 से डिविजिबल होगा यानी कि रिमाइंडर क्या होगी? 0 होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 1. यानी कि यहां से हमें ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया. ये रिजल्ट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको दिया गया हो ओमेगा रेस्ट टू 101, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा? यहां से पावर को 3 से डिवाइड करना होगा. तो यहां से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 33 3 99, यानी यहां से बचेगा रिमाइंडर में 2. सो इसे लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर. ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, तो यहां पर हम दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं.
सो आपको पता चल गया चल जाएगा कि ओमेगा को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर क्या है, 1/2 + 3/8 + 9/32। यहाँ पे आप न्यूमरेटर को अगर ऑब्जर्व करें तो ये क्या मिल रहा है, 1, 3, 9, 27, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 2, 8, 32, 128। यानी कि ये है वो क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये सारे नंबर्स कौन से प्रोग्रेशन में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम अगर यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करें, A2/A1 हो जाएगा यहाँ पर कॉमन रेशियो, 3/8 / 1/2। सो यहां से मिल जाएगा हमें कॉमन रेशियो 3/4 मिल जाएगा। सो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसका रेशियो भी क्या है, लेस देन 1 है। सो यहां पर अगर मैं इस इनफाइनाइट फाइंड करूं तो उसका इक्वेशन क्या होगा, A/(1 - R) हो जाएगा। A की वैल्यू यहां पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 1/2, 1 - R की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4 है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, 4 - 3 = 1/4 हो जाएगा। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 मिल जाएगी। ये 2 वैल्यू हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। सो यहां से हो जाएगा हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आपको अच्छे से मालूम है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा हमारा -1। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा। और यहां से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें तो ये क्या है, 1 - ओमेगा को ऐसे ही लिखते हैं, 1 - ओमेगा स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया ओमेगा रेस्ट टू 4। अगर पावर 3 से ज्यादा हो तो मुझे उसे किससे डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करके जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 - ओमेगा, और यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 - ओमेगा एक बार और ये 2 बार, और यहाँ पे 1 - ओमेगा स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 - ओमेगा स्क्वायर - 1 - ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा - ओमेगा + ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर। ओके, सो यहां से हो जाएगा 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमें अच्छे से मालूम है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, -1 होता है। तो यहां से -1 पुट कर देंगे तो 1 - - प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3 एंड 3² = हो जाएगा 9। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ओमेगा रेस्ट टू 99 इज डिविजिबल बाई 3, यस, एंड रिमाइंडर विल बी 0, सो इट कैन बी रिटन एज 1 एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर। इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस क्वांटिटी बाई 3 देन आई एम गेटिंग रिमाइंडर एज अ 1 एंड हियर रिमाइंडर इज 2, सो आई एम गेटिंग हियर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर एंड वी नो वेरी वेल 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन वेरी क्लियरली एंड कीप लर्निंग विद अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।